और यार ये इसका नीचे से निकल रही थी, नीचे से फंस जाती है निकल। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अंदर व्लॉग। और गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे कॉम्प्लेक्स से। मैं कॉम्प्लेक्स पे आया हूँ, किसी को ये गोदाम दिखाना है रेंट के लिए, तो वो कॉल कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे। कॉल करने के बाद आएंगे, मैं जाके आऊँगा शॉप पे। गोदाम टाइप चाहिए उनको, मतलब जो परचून की शॉप होती है ना उसके लिए गोदाम चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने कॉल किया था पापा के पास। तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, आ रहे हैं अभी। इसके बाद मेरे को बुआ के जाना है आज, दादी को छोड़ने। वो बुआ के पास जाएगी, दादी ऐसे मिलने। बुआ अभी वो कहते हैं उनके घर पर जाएगी थोड़े दिन, दो चार दिन, तो उनको छोड़ के आना है। और फिर उसके बाद पैन कार्ड बना के आना है मेरे को, मम्मी का बहुत काम है आज। तो अभी आज फ्री होता है, फिर जाते हैं, नहाते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर दादी को छोड़ने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी नहीं जा रहा दादी को छोड़ने, मैं वहाँ कॉम्प्लेक्स से आ गया चाबी लेके, पर वापस जा रहा हूँ मैं। वो कॉम्प्लेक्स का खोल के देखना है कि सफाई है नहीं है, वो खाली कर गए, उनको बात करनी है कि अगर सफाई नहीं होगी तो उसको सफाई करवानी पड़ेगी। तो वापस कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूँ। दादी को शाम को पापा ही छोड़ के आएंगे, पापा बोल रहे हैं मैं छोड़ूंगा। अभी बुआ से बात हुई है, मतलब बुआ क्या उनसे, दीदी से बात हुई है वहाँ पे कि आप वो कहीं जा रहे हैं, तो बोले शाम को छोड़ के दिल जाना, तो शाम को जाएंगे पापा छोड़ने। तो अभी मैं कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूँ, मैं वो देख के आना है वो गोदाम साफ भी है नहीं है। अगर साफ नहीं है तो फिर उसको साफ करवाने के वाले को बुलाना पड़ेगा, साफ करवाना पड़ेगा उसको। ये गोदाम अभी सफाई नहीं होगी इसमें, इसीलिए आया था मैं सफाई करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं घर पे आ गया था वहाँ से कॉम्प्लेक्स से वो सफाई का, और यार अभी थोड़ा मैंने चिल्ला दिया उसमें। वो कॉम्प्लेक्स वो है ना गोदाम वाला, वो बोल रहा है कि साफ करके हम क्यों देंगे आपको, खुद को साफ करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि जैसे साफ करके हमने जैसे साफ करके देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उन्होंने खाली कर दिया। और अभी घर पे आया विशाल भी पेपर देने गया है। तो फ्रेंड्स, स्टार्चिंग को थोड़ा नीला रहा हूँ मैं यार, ये पूरा मतलब गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है ये, तो इसको थोड़ी देर नीला दे, टूटी के नीचे ले लेता हूँ उसको मैं। देखो साड़ियों में लगे हुए हैं, साड़ियाँ ले रहे हैं सबके सब। तो फ्रेंड्स, मैं उसको नहीं ला के आ गया, और मैं भी ना लेता हूँ, फिर मंदिर जाके आते हैं और फिर आके खाना खाएंगे, फिर अपना ब्लॉग अपलोड करने जाऊँगा नन्नूर के पास। और फिर उसके बाद शाम को देखते हैं क्या करना है। शाम को वैसे पार्क जाऊँगा, क्या पता बुआ जी के भी जा सकता हूँ मैं माँ को छोड़ने। फिर देखते हैं आज शाम को कैसा जाए। गर्मी हो रही है बाहर भयंकर, कल बारिश हुई थी लेकिन फिर भी आज गर्मी हो रही है, उमस हो रही है पूरी। तब जल्दी से नहाते हैं, मैं भी ना कहता हूँ, फिर मंदिर चलते हैं, फिर आके खाना खाएंगे, फिर मैं ब्लॉग अपलोड करके आऊँगा यूट्यूब पे। मैं 2 बजे आता है, 2 बजे का फिक्स हो गया, 2 के बाद ही आता है मेरा व्लॉग हमेशा, 2 बजे के बाद, 2 के और 3 के बीच में आता है हमेशा। तो चलते हैं जल्दी से नहाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ मंदिर, नहा लिया हूँ मैं मंदिर जा कहते हैं। टाइसन को दिखाते हैं कैसा लग रहा है नहाने के बाद आज। वैसे दीदी खाना खिला रही है इसको, ये देखो इसकी हालत कैसी हो रही है, ये देखो ये रहा बिट्टू, ये देख रहा है दीदी छाछ में खाने डाल रही है इसलिए। टाइसनो देख कैसे प्यारा सा लग रहा है, ये इसकी नजर इधर ही अपने खाने पर नजर है इसकी। हेलो, ये देखो हाँ तेरे बाप का, हाँ तेरे पापा घर है ना। फ्रेंड्स, मंदिर से आ गया हूँ और ये आशु बड़े दिनों बाद मिला है मैं, और अभी इसको मैं मेरा फोन देके जा रहा हूँ, ये अपलोड कर देगा मेरे व्लॉग। और मैं जा रहा हूँ नन्नू के पास थोड़ी देर, उसकी उंगली में लग गई यार पता नहीं कैसे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वहाँ से आके अपलोड करके आके सो गया था, और अभी मैं जा रहा हूँ दादी को बुआ के घर पे छोड़ने, बता रहा था मॉर्निंग में मैंने। तो अभी चलते हैं, विशाल भी आने वाला है अभी पेपर देके, तो पापा कॉल है, पापा बोले मैं को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तू छोड़ गया था वरना रात हो जाएगी फिर। तो चलते हैं अब दादी को छोड़ने, फिर आके देखते हैं पेपर कैसे गया आज विशाल का। दादी को छोड़ने ये पीछे दादी जी बैठी, और आपको बाहर का लोकेशन दिखा दूँ, क्या प्यारी लोकेशन है ये। ये एकेडमी है यहाँ पे क्रिकेट की। फ्रेंड्स, पहुँच गया हूँ मैं दादी को लेके, ये देखो सामान छाछ वाछ लेके आई दादी साथ में, और ये पीछे पीछे आ रही है। और मैंने ट्रैक क्रॉस नहीं किया रेलवे ट्रैक, क्योंकि फिर लंबा पड़ता है, तो अब इधर से क्रॉस करके चलते हैं वहाँ पे, दिखाता हूँ यहाँ की लोकेशन आपको। ये रेलवे ट्रैक, वो घर है वहाँ पे, वाइट कलर का घर है ना, ये इसके नीचे से निकल रही थी, नीचे से फंस जाती है निकल नहीं पाई, तो ऊपर चढ़ गया अभी। तब चलते हैं, वो वाइट कलर का घर है, घर और गाइस क्या मस्त लोकेशन है यार, यहाँ से मस्त एक नंबर पहाड़ों वाला व्यू है यहाँ पे सारा।
मस्त जगह है, मस्त लोकेशन है, मतलब थोड़ी सिटी से बाहर है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, वैसे सिटी के अंदर है लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ वापस से घर पे, वहाँ पे भैया और वगैरह दीदी वगैरह सब आ गए थे, फिर मैं आ गया हूँ, ज़्यादा लेट करने का मतलब नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ घर पे वापस से। तो फ़ोन अंदर रखते हैं, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, तो रिस्क नहीं ले, फ़ोन रख रहा हूँ मैं जेब में और स्कूटी चलाने में फोकस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं घर पे आ गया हूँ, टाइसन को घुमाने का सोचा, लेकिन वैसे 10 बज गए, देखो पीछे टाइम हो रहा है, 10 बज गए, तो आज टाइसन को घुमाने जा रहे हैं। और ये पागल है मान साइन का, ये पेपर देखे आया है, बोल रहा है इसका ठीक नहीं है, ठीक ठाक मीडियम मीडियम गया है, मतलब अच्छा गया है, ऐसे तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है क्या होता है, वैसे सच्चाई नहीं बता रहे, बहुत चालू आदमी है, देखते हैं हो जाए, बस ये समझ रहे हम। तो आज के ब्लॉग को अभी खत्म नहीं करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, मैं जा रहा हूँ नन्नू के घर पे थोड़ी देर, मानना दीदी मत कर यार, तो चलते हैं नन्नू के पास थोड़ी देर। सो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं नन्नू के घर से, पहले नन्नू के घर चले गए थे, मेरा फोन चार्ज नहीं था, मैं चार्ज लगा के चला गया था, वैसे लेट हो गए, तो आज टाइसन को मानने गए और दादी को छोड़ गया हूँ, तो मन ही नहीं लग रहा है उनके बिना यार, वहाँ गए ना वो, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा, वो दो तीन चार दिन वहीं रुकेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल ब्लॉग के साथ, आज का ब्लॉग का पूछा लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना, टाटा बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।